आला रे आला, सिम्बा आला। सिम्बा ने तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर गर्दा कमाई कर दी है। OMG, 5 दिन के अंदर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया है। आपको बता दो दोस्तों, सिम्बा बॉलीवुड में 2018 की आखिरी फिल्म थी। और अगर बात करें आखिरी फिल्म की, तो साल की शुरुआत और साल का अंत होता है रणवीर सिंह की फिल्म से। जी हाँ, जहां पर पद्मावत को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था, वहीं अब बात करें अगर सिम्बा की, तो दिनों दिन इसकी कमाई बढ़ती जा रही है। इंटरनेशनल सर्किट्स की बात करो दोस्तों, तो टोटल मिला के 200 करोड़ कमा लिए हैं इसने 5 दिन में। जी हाँ दोस्तों, सिम्बा फिल्म में एंटरटेनमेंट का फुल ऑन डोज है, फुल ऑन मसाला है, जबरदस्त एक्टिंग है, डायरेक्शन स्किल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो ऐसे में सिम्बा ने इस साल रेस 3, यानी कि सलमान भाईजान की फिल्म, आमिर खान जी की फिल्म टर्ल्स ऑफ हिंदुस्तान और शाहरुख खान जी की फिल्म जीरो, तीनों को ही पछाड़ दिया है। आपको बता दूं दोस्तों, रेस 3 जब रिलीज हुई थी तो उसके शुरुआत के दिनों में फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे फिल्म ड्रॉप होती चली गई। वहीं बात करें अगली फिल्म यानी कि टर्ल्स ऑफ हिंदुस्तान की, तो इसको पहले ही दिन बंपर ओपनिंग मिली थी 52 करोड़ की, जो कि एक रिकॉर्ड बन गया था। उसके बाद दोस्तों लेकिन फिल्म धीरे धीरे डाउन होती गई और लिटरली बुझ सी गई। जिस तरीके से इस फिल्म के अंदर शिप डूब जाती है, वैसे ही फिल्म की कमाई भी डूब सी गई। वहीं आखिरी फिल्म यानी कि जीरो की मैं बात करूं दोस्तों, तो जीरो को जो शुरुआत मिली थी वो एवरेज मिली थी, फिल्म धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। लेकिन ये कहना तो पड़ेगा बॉस कि जीरो फिल्म ने अपने 5 दिन के अंदर 100 करोड़ की कमाई नहीं करी। ये कहीं ना कहीं खतरे का अलार्म है भाई, ये कहीं ना कहीं एक तरीके की चेतावनी है कि अगर आप लीक से हटकर कुछ काम नहीं करेंगे, अगर आप कंटेंट बेस्ड सिनेमा नहीं करेंगे, तो हो सकता है ऐसे परिणाम फ्यूचर में सामने आए। वेल, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि तीनों खान्स ऑल द वेरी बेस्ट, बकअप, डस्ट ऑफ योर शोल्डर, और इस रेस के हिस्से को आगे बढ़ाइए, क्योंकि रेस का हिस्सा तो सिकंदर ही है बॉस। देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि 2019 में किस तरीके से भाईजान सलमान खान की फिल्म भारत अच्छा कमाई करती है, और आगे आने वाले दिनों में कौन किससे आगे बढ़ता है। लेकिन 2018 में अगर बात करूं, तो सिम्बा ने सभी बड़े बड़े स्टार्स को पानी पिला दिया है। आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मुझे बताएं, और बने रहिए मेरे साथ। राहुल भोज आपको अपडेट करता रहेगा। बाय बाय।